हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको इस वीडियो में यूपी पुलिस 49568 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जी हाँ, तो वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली आपके लिए ही है, क्योंकि आपने ही बोला कि कटअप कितना जा सकता है विथ एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा वो रहेगा, या फिर आपने कितना एक्यूरेसी के साथ किया है, कितना नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ठीक है, तो हम सारी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो आधिकारिक ध्वज होता है उसमें आपको पता होना चाहिए दो रंग होता है। तो पहला तो हो गया लाल, तो और दूसरा कौन सा रंग होता है, तो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन है आपका ए हरा, बी नीला, सी पीला एंड डी नारंगी। तो जो भी इसमें से करेक्ट आंसर है आपको बताना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट का ना कोई अभी डेट ना कोई ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 49568 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी रिजल्ट से नोटिस नहीं है। तो हम आपको ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, अब आपको हो सकता है थोड़ा गुस्सा आया होगा क्योंकि ये बात आपके फेवर में नहीं है, और हो सकता है अब आप वीडियो को अनलाइक करना भी स्टार्ट करोगे और कुछ सुना भी दोगे, हो सकता है। बट फ्रेंड्स जो सही है वो तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपने ही कमेंट्स करा था कि पता नहीं कहाँ से आप देखकर आ रहे हो और बोल रहे हो कि रिजल्ट कल डिक्लेयर हो रहा, आज डिक्लेयर, तो कहाँ से चेक करें। तो फ्रेंड्स जब तक ऑफिशियल नोटिस कोई जारी नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा यार, आप खुश सोचो ना। तो रिजल्ट जब आएगा तब हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, लेकिन रिजल्ट छोड़कर आपको फोकस अपने फिजिकल की तैयारी प्लस रनिंग पर करनी होगी, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही। ठीक है, और अगर आपको पता है कि हम सेलेक्ट होने वाले हैं, अगर आपको एक्यूरेसी के बाद पता है कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हैं, तो आप ज़रूर तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो हम आपको 99% सही कटअप देने वाले हैं, ठीक है, विथ एक्यूरेसी, और लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपका नंबर जो है वो बढ़ता है। और अगर आप बात करते हैं कि हम फर्स्ट शिफ्ट में थे या सेकंड शिफ्ट में थे, तो फ्रेंड्स अगर हम दोनों शिफ्टों की बात करें, ठीक है, तो जो क्वेश्चन थे वो जो क्वेश्चन लेवल था आपका वो मॉडरेट ही था। ठीक है, ना कोई हार्ड था और ना ही ज़्यादा इजी था, बट आपका हिंदी इजी था, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी इजी आया ही था। तो फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट से तो आप जो है वो ये हट जाओ कि नहीं सेकेंड शिफ्ट का कम होगा, तो ये दोनों शिफ्टों का जो है वो जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो एक ही होगा। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन, तो आपके मार्क्स उसमें बढ़ते हैं 10 नंबर या फिर 15 नंबर या फिर 20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो 100% हम आपको एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट कट ऑफ बताने वाले हैं। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं क्या होगी कटअप और क्यों जाएगी कम। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो 2019 में आपकी 49568 वैकेंसी, 2018 41520 वैकेंसी, जिसमें 22 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, और आपकी 2019 जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, इसमें 18 लाख
स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म फिलअप करा था, उसमें से ओनली 15 लाख ही जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्जाम दिए था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मान लो आपके 15 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम दिया था और 18 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करा था, तो ये आपका यहाँ फायदा हो जाता है, क्योंकि 18 लाख को फॉर्म बस भरा गया था, बट उन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम नहीं दिया, ओनली 15 लाख ही स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दिए हैं। प्लस जो 41,000 में मान लो जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है, उन्होंने भी इसमें फॉर्म फिलअप करा था, तो जब इनका फिजिकल रनिंग हो गया तो इन्होंने ये एग्जाम छोड़ दिया, या फिर ये अब जो है वो नहीं आएंगे, तो ये फायदा आपको दोबारा हुआ, ठीक है। और आपका पता होगा, आपको पता होगा कि वैकेंसी नंबर भी ज़्यादा है, आप देख सकते हो 8,000 आपकी वैकेंसी नंबर, वैकेंसी ऑफ द नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या होगी। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर आपकी कट ऑफ शो हो रहा होगा। अगर हम 41,520 वाला की कट ऑफ बात करें तो आपका जनरल का गया था 200 से ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स नहीं दिख रहे थे, बस ओनली जो कैंडिडेट पास थे उनका क्वालिफाइड लिख रहा था, और जो नहीं पास थे उनका तो डिटेल्स ही नहीं ओपन हो रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमारा 200 था तो हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर दोबारा भी बुलाया गया लड़कों को, मतलब कि कट ऑफ इससे भी नीचे गई। आपका जो कट ऑफ 200 जनरल का गया था इससे भी नीचे गया था 190, क्योंकि जो फिजिकल था उसमें स्टूडेंट्स बाहर हो जा रहे थे, देन उनको कट ऑफ जो है वो घटाना पड़ा। तो अगर हम इस बारे की बात करें तो जनरल का अगर आपने जो है 190 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और वहीं हम ओबीसी की बात करें तो अगर आपका 182 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अभी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन, जैसे अभी मान लो ओबीसी आप मान लो 175 भी है, ठीक है, विथ नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं हम एससी की बात करें तो एससी अगर आपका 176 अगर आपके मार्क्स होंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। वहीं हम एसटी की बात करें, ये बॉयज का है, ठीक है। तो एसटी की बात करें हम तो अगर आपका मार्क्स 165 भी है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और जब आपका रिजल्ट आए तो आप खुद इस वीडियो पर आकर कमेंट्स करना, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फीमेल। तो फीमेल को जैसे कि आपको पता होगा जो फीमेल हैं उनका जो कटअप है वो एक ही जाता है, कैटेगरी वाइज तो जाता नहीं, ठीक है, अधिकतर। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि उनको 4-5 बार बुलाया गया, नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया हो गया, अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो फिजिकल में बाहर हो जा रही थी और रनिंग उनसे नहीं हो पा रहा था, इस वजह से जो है उनको बार बार नोटिस जारी करनी पड़ी और ओनली लड़कियों को बुलाना पड़ा। तो उस बार 110 नंबर जो लड़कियाँ पाई थी उनको भी बुलाया गया था, आप खुद सोचो। तो इस बारी अगर आप ज़्यादातर मैक्सिमम अगर हम आपकी कटअप की बात करें तो 150 से ऊपर आपका कटअप बिल्कुल नहीं जाने वाला, जी हाँ। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, इससे कम हो सकता है बट इससे ज़्यादा आपका कटअप जो है वो नहीं जाने वाला। तो आपको फोकस फिजिकल रनिंग पर करना चाहिए, प्लस अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अभी से बनवा लेना है, रिसेंटली कास्ट डोमिसाइल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपके पास नहीं रहेगा ओबीसी एससी एसटी के, अगर कास्ट
पुराना होगा तो उनको जनरल में कर दिया जाएगा, फिर उनको ही परेशानी होगी। तो आपको रिसेंटली प्लस ओल्ड दोनों लेकर जाना होगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। तो अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।